हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीदीमन। तो हम लोग सामाजिक अध्ययन शिक्षण जो विधियां कर रहे थे उसमें हमारा नेक्स्ट चैप्टर है समालोचनात्मक चिंतन का विकास। इससे पहले की जो चैप्टर्स हैं वो मैंने कंप्लीट कराए थे और आप लोगों ने देखे भी होंगे। यदि नहीं देखे हैं तो प्लीज उनको देखिएगा, उनसे रिलेटेड आपके बहुत सारे प्रश्न जो है वो आपके शिक्षण विधियों के हल होते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं समालोचनात्मक चिंतन। देखिए चिंतन क्या होता है, सबसे पहले इसका अर्थ जानना जरूरी है, उसके बाद हम आएंगे समालोचनात्मक चिंतन का। अब चिंतन क्या होता है, आप लोग भी चिंतन करते हो, ठीक है, और सभी करते हैं चिंतन, यानी जब हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम उसके बारे में सोचने लगते हैं, विचार करने लगते हैं, तो यही होता है चिंतन। और उसके फिर हम सॉल्यूशन के बारे में सोचते हैं, तो ये सोचना क्या है, ये चिंतन है। तो देखिए चिंतन क्या है, चिंतन है किसी समस्या के बारे में सोच विचार। यह एक मानसिक प्रक्रिया है। कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है कि चिंतन क्या है, तब हमारे दिमाग में यह नहीं आ पाता है कि चिंतन किस प्रकार की प्रक्रिया है। वहां पर ऑप्शन आपके हो जाते हैं शारीरिक प्रक्रिया, मनोगत्यात्मक प्रक्रिया, मनोविश्लेषणात्मक प्रक्रिया या मानसिक प्रक्रिया। तो आपका बिल्कुल सटीक उत्तर होना चाहिए कि यह एक मानसिक प्रक्रिया है, ठीक है। नेक्स्ट है अप्रकट व्यवहार। चिंतन क्या है, अप्रकट व्यवहार है। क्या आप कभी सोचते हैं तो उसको क्या प्रकट कर पाते हैं कि मैंने हाँ इतना सोचा, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने इसके बारे में सोचा, तो यह आप प्रकट नहीं कर पाते हैं। इस व्यवहार को प्रकट करना असंभव है, इसीलिए यह क्या है, एक अप्रकट व्यवहार है, ठीक है। तो इसे आप साधारण अर्थ में भी लें कि चिंतन यानी कि क्या कर रहे हैं, चिंतन यानी किसी भी चीज के ऊपर सोच रहे हैं। अब चिंतन जो है वो बिना बात के नहीं होता है, चिंतन के लिए हमें कुछ ना कुछ क्लू होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, कोई सिग्नल होता है, कोई सिंबल होता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ ना कुछ होना जरूरी होता है, जब भी विचार जो है वो उत्पन्न होते हैं। और यह क्या है, एक अप्रकट व्यवहार है, यह प्रकट नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है समस्या समाधान के बीच मध्यस्थ। अगर कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन। अब प्रॉब्लम, कोई समस्या है तो उसका समाधान आ गया, लेकिन वो समाधान कैसे आया, हमने कुछ विचार किया, सोचा, जब भी तो आया, तो हमने क्या किया, चिंतन किया। तो यहां से यहां तक आने में हमें क्या लगा, चिंतन, यानी हमने उसके बारे में सोचा। तो चिंतन जो है वो एक मध्यस्थ का काम करता है, एक सेतु का काम करता है समस्या और समाधान के बीच में, ठीक है। तो ये एक आपका क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट है चिंतन मानव का एक विशिष्ट गुण है। यह विशिष्ट गुण केवल मानव के अंदर ही है, ये कोई जानवरों के अंदर जो है वो चिंतन नहीं पाया जाता है, ठीक है। क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका सॉल्यूशन जो है वो मानव निकाल पाता है। मानव के अंदर एक विशिष्ट गुण होता है, एक मानसिक प्रक्रिया होती है चिंतन करने की, जो वो सोच सकता है, विचार कर सकता है। जानवर जो होते हैं वो नहीं इस बात को कर सकते हैं, वो नहीं सोच सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक विशिष्ट गुण है जो कि केवल मानव के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि ऐसे कौन से बिंब हो सकते हैं, ऐसे कौन से उपकरण हो सकते हैं कि जिनको देखकर चिंतन किया जा सकता है। तो चिंतन के लिए कोई सिग्नल हो सकता है, कोई संकेत हो सकता है, जैसे रास्ते में अगर जाते हैं तो हमें रेड सिग्नल, ग्रीन सिग्नल, ठीक है, ये दिखाई देता है, तो उनको देखकर हम, हमारे मन में सबसे पहले ये आता है कि हाँ रेड है, अब हमने पहले इसके बारे में समझा था, इसीलिए हमने क्या दिमाग लगाया कि हमें स्टॉप हो जाना है, यानी रुक जाना है। ग्रीन सिग्नल है तो हमें ये पता लग गया कि अब हमें यहाँ से चले जाना है। तो ये क्या है, उसके बीच में ही हमने चिंतन कर लिया था जिसका हमें पता भी नहीं लगा, क्योंकि क्या है, ये एक अप्रकट व्यवहार है, ठीक है। तो चिंतन के लिए संकेत हो सकता है, चिंतन का माध्यम जो है वह चिन्ह भी हो सकता है, यानी सिंबल भी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पदार्थ। चिंतन के लिए एक पदार्थ का होना बहुत जरूरी है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो उसके बारे में ही सोचा जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि चिंतन के लिए कुछ ना कुछ होना जरूरी है। नेक्स्ट है
प्रतिमा, प्रतिमा यानी इमेज। मान लीजिए कि गांधी जी की प्रतिमा को देखते हैं, यह जो प्रतिमा है वो क्यों बनाई गई है, इन्होंने ऐसा देश के लिए क्या किया था, तो यह क्या है, सोच विचार करके और फिर उस सॉल्यूशन पर पहुंचना कि हाँ ये जो प्रतिमा है ये इस वजह से यहाँ पर बनाई गई है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होना जरूरी है, प्रतिमा का होना भी जरूरी है। तो ये कुछ उपकरण है जिस जो चिंतन में सहायक होते हैं। नेक्स्ट है चिंतन के स्टेप, कैसे कैसे स्टेप होते हैं। अब ऐसा नहीं होता है कि प्रॉब्लम होती है उसके बाद डायरेक्ट उसका सॉल्यूशन होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या होती है, समस्या, समस्या होती है, हमारे पास कोई समस्या आ जाती है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उन विचारों का आना, यानी बहुत सारे विचार हमारे माइंड में आते हैं। मान लीजिए एक समस्या है, अब वो क्या है कि हमारा जो एग्जाम है वो उसकी डेट कब होगी, यही आपकी जो समस्या आ रही है कि कब होगी। अब हमारे माइंड में विचार आ रहे हैं, फरवरी में भी हो सकती है, मार्च में भी हो सकती है, या फिर जनवरी में तो नहीं हो जाएगी। ठीक है, बहुत सारे विचार आपके माइंड में आ गए, तो आपने क्या किया, वहां आपने साइट में जाकर देखा, यानी कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देखते हैं कि नहीं अभी तो डेट नहीं आई है। ठीक है, या फिर आप यूट्यूब पर ही कोई विशेष जो टीचर्स होते हैं उनसे जाकर ये पता कर लेते हैं कि नहीं अभी ये डेट नहीं आई है, तो आपको क्या मिल गया, उसका समाधान मिल गया, विचारों का लक्ष्य के साथ समाधान। तो अब आप लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या, आपको क्या मिल गया, सॉल्यूशन मिल गया कि नहीं अभी नहीं है, अभी टाइम है, अब हम इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो आपने इसका हल निकाल लिया और फिर आप सक्रियता पर आ गए। ठीक है, उसको आपने हल कर लिया और उसके बाद दोबारा से कोई नई समस्या आएगी, दोबारा से हम विचार आएंगे बहुत सारे, उसका सॉल्यूशन निकालेंगे और उसके बाद उसका हल निकालेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, कुछ इसके स्टेप है, इनको केवल आपको समझना है, इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं तो आप कर लेंगे। अब आता है कि समालोचनात्मक चिंतन क्या है। चिंतन तो हमें पता लग गया कि चिंतन जो है वो क्या होता है, है ना, अब हमें पता करना है समालोचनात्मक चिंतन। समालोचनात्मक यानी सम धन आलोचनात्मक, यानी चिंतन किया लेकिन उसका इतने अधिक गहराई से चिंतन किया, जब हमारे क्यों और क्या के प्रश्न जो है वो हर शब्द पर उठ रहे हैं, यही होता है समालोचनात्मक चिंतन। अब समालोचनात्मक चिंतन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है, ये नेगेटिव वर्ड नहीं है, यानी कि चिंतन करना और चिंतन के ऊपर चिंतन करना, यानी कि और अधिक गहराई से विचार करना, सोचना, तो वह होता है समालोचनात्मक चिंतन। तो हमें क्या करना है, बच्चों को इस तरीके से तैयार करना है कि वो चिंतन तो करें लेकिन चिंतन के ऊपर भी चिंतन करें, यानी कि समालोचनात्मक चिंतन जो है उसका डेवलपमेंट उनके अंदर हो सके, जिससे कि बहुत सारी जो चीजें हैं वो निकल कर आती है, क्योंकि बच्चों का माइंड जो है वह बहुत दिशाओं में दौड़ता है। इसी तरीके के विकास के लिए सामाजिक अध्ययन में यह टॉपिक है कि हमें जब विद्यार्थी को समालोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए उन्हें प्रेरित करना चाहिए कि वह किसी भी चीज के बारे में अगर सोचते हैं तो उसे बहुत अधिक गहराई तक सोचे। चिंतन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हो सकते हैं, तो चिंतन को प्रभावित करने वाले कारक हो सकते हैं, एक रुचि हो सकती है, भाई इंटरेस्ट हो सकता है जिससे कि चिंतन जो है वो प्रभावित होता है। ठीक है, अगर आपका किसी चीज में रुचि ही नहीं है तो आप उस विचार के बारे में कैसे सोच सकते हैं, कैसे चिंतन कर सकते हैं। तो रुचि जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावित करती है किसको, चिंतन को। इसके अलावा प्रेरणा, ठीक है, अगर आप मोटिवेट ही नहीं है उस चीज के लिए, तैयार ही नहीं है उस चीज के लिए, तो आप चिंतन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है, इसके लिए आप किसी को फोर्स करके और उसको चिंतन करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, इसके लिए इंटरेस्ट होना चाहिए, प्रेरणा होनी चाहिए, यानी कि आंतरिक रूप से या बाहरी रूप से किसी भी तरीके से उसको प्रेरणा जो है वो होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि पूर्वाग्रह। अब पूर्वाग्रह से क्या अर्थ है, पूर्वाग्रह यानी कि पहले के जो विचार हैं उसी तरीके से दिमाग में पहले से ही उन विचारों का आना, यानी कि हमें पहले से ही कुछ पता है उस बारे में और फिर हम चिंतन कर पा रहे हैं। ठीक है, तो पूर्वाग्रह जो है वह भी किसको प्रभावित करते हैं, चिंतन को प्रभावित करते हैं। अगर हम किसी चीज के लिए सतर्क हैं
तो हम आराम से बैठकर और फिर चिंतन कर सकते हैं। और अगर हम उस चीज के लिए सतर्क ही नहीं है तो चिंतन को वो प्रभावित करेगा। नेक्स्ट है संवेग। संवेग जो है उनका भी अहम रोल होता है, वो भी प्रभावित करते हैं चिंतन को। कैसे प्रभावित करते हैं? अगर आपके जो संवेग हैं, आप जिस चीज के बारे में सोच रहे हैं उससे आप कनेक्ट ही नहीं है तो संवेग जो है वह चिंतन को प्रभावित करेगा। ठीक, नेक्स्ट है हम देखते हैं कि चिंतन के प्रकार कौन कौन से चिंतन हो सकते हैं। सबसे फर्स्ट है अपसारी चिंतन, सेकंड है अभिसारी चिंतन, थर्ड है विवेचित चिंतन, फोर्थ है तार्किक चिंतन और फिफ्थ है आत्मचिंतन। अब हम इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। देखिए, अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन, इन दोनों के बारे में तो आपने गिलफोर्ड की थ्योरी में भी पढ़ा होगा, साइकोलॉजी में, है ना? तो वहां पर आपने इनके बारे में अच्छे से समझा होगा कि अपसारी चिंतन क्या होता है, जो क्रिएटिविटी जो है उससे संबंधित होता है, अभिसारी चिंतन जो कि इंटेलिजेंस यानी बुद्धि से संबंधित होता है। तो देखिए, अपसारी चिंतन का अर्थ है सृजनात्मक चिंतन, यहाँ पर जो भी क्रिएटिविटी है उसका विकास होता है। ठीक है, अब कैसे होता है, यहाँ नवीनता और नए जो भी आविष्कार होते हैं वो शामिल होते हैं। एक ही प्रश्न का एक ही उत्तर ना होगा, अनेक विकल्प होते हैं। ठीक है, अगर कोई बालक जो है वह एक दिशा में ना सोचकर वह कई दिशाओं में जाकर सोच रहा है तो क्या है, ये अपसारी चिंतन। इसका एक एग्जांपल वो आपको सिंपल सा मैं देती हूँ। मान लीजिए कि कक्षा में जो टीचर है उसने ये प्रश्न किया कि बताइए कि आम जो है उनके क्या क्या विकल्प हो सकते हैं, यानी आम से आम का यूज जो है वो क्या क्या हो सकता है। तो बच्चों का आंसर क्या आएगा, सबका समान तो नहीं आएगा। एक बोलेगा कि इससे जैम बनाया जा सकता है, सेकंड बोलेगा कि हाँ इससे मैं जूस बना सकता हूँ, या नेक्स्ट बोलेगा इससे कि मैं आम पापड़ बना सकता हूँ, या फिर मतलब अपना अपना अचार बना सकता हूँ। सभी अपना अपना व्यूज जो है वो अलग देंगे, किसी का भी व्यू समान नहीं होगा। वहां पर एक दिशा में जाकर नहीं सोचा है, सबने अपने अलग अलग दिशाओं में जाकर सोचा है। तो इसमें क्या हुआ, जो क्रिएटिविटी है उनका उसका विकास हो रहा है। सृजनात्मक चिंतन जो है इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। आपके क्वेश्चन पूछा भी गया है कि अपसारी चिंतन जो है वह किस प्रकार का चिंतन है, बुद्धि से रिलेटेड है या फिर क्रिएटिविटी से रिलेटेड है। तो वहां आपका उत्तर क्या था, क्रिएटिविटी यानी कि सृजनात्मक से संबंधित है। नेक्स्ट है अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन क्या है, अपसारी चिंतन का ही अपोजिट है, यानी कि अपसारी चिंतन में हमने कई दिशाओं में जाकर सोचा था, अपसारी चिंतन में हम केवल एक ही दिशा में जाकर सोचते हैं। यहाँ पर हम एक ही दिशा में जाकर सोचते हैं। अब ऐसा कैसे सोचा जा सकता है, वही कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, टीचर अगर एक प्रश्न पूछती है तो सबका आंसर जो है वो यहीं पर आकर रुकेगा, एक ही बिंदु पर आकर रुकेगा। मान लीजिए पूछ लिया जाए कि जो इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है, अब कितने भी विद्यार्थियों से आप पूछ लीजिए उनको एक ही आंसर आपको देंगे वो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो है वो नरेंद्र मोदी है। तो सब आंसर एक ही देंगे, यहाँ पर कुछ क्रिएटिविटी नहीं हो रही है, ना ही कोई आविष्कार हो रहा है, क्योंकि आंसर उनको पहले से ही पता है कि यही होगा और इसके बारे में हम आगे नहीं सोच सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा गया उसका आपको आंसर मिल गया। तो ये क्या है, अभिसारी चिंतन, इसे यथार्थवादी चिंतन भी कहते हैं। यह वास्तविक चिंतन यानी वास्तविकता पर निर्भर करता है, इसमें नवीनता नहीं है। नेक्स्ट है विवेचित चिंतन। अब विवेचित चिंतन क्या होता है, विवेचना यानी कि जब कोई समस्या होती है उसका समाधान ढूंढ लिया जाता है लेकिन उसके बाद दोबारा से उस पर विचार किया जाता है तो वो क्या होती है, विवेचित चिंतन। जैसे सीआईडी करते हैं ना, वही अगर कोई प्रॉब्लम है और सबसे पहले पता लगा उनको कि इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन निकल चुका है लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, खोजबीन करते हैं, वो क्या करते हैं, गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं, वो क्या है, विवेचित चिंतन। ठीक है, नेक्स्ट है तार्किक चिंतन। तार्किक चिंतन जो कि नाम से स्पष्ट है यानी कि तर्क पर आधारित, किसी तर्क पर आधारित जो चिंतन होता है वह होता है तार्किक चिंतन। अगर पूछ लिया जाए कि चिंतन में सबसे महत्वपूर्ण चिंतन कौन सा प्रकार है तो वहां आपका उत्तर क्या होगा, तार्किक चिंतन। ठीक है, क्योंकि ये तर्क पर आधारित होता है तो इसका आंसर आप क्या लगाओगे, यह सबसे महत्वपूर्ण है चिंतन का प्रकार। नेक्स्ट है आत्मचिंतन। आत्मचिंतन के अंतर्गत व्यक्ति क्या करता है, स्वयं के बारे में इतनी गहराई से सोचता है, वह
दुनिया से हटकर ही वह ऐसे विचार जो है उसके माइंड में आते हैं, वह आत्मा और परम ब्रह्म इन दोनों के बीच में यह सोचने पर मजबूर होता है, वह बाहरी दुनिया से कटकर मन और आत्मा के बारे में सोचता है। तो जब व्यक्ति जो है वो अपने स्वयं के बारे में ही सोचना प्रारंभ कर देता है, हमेशा स्वयं में ही लीन रहता है और खुद को ही प्रूव करना चाहता है, तो वो क्या होता है, आत्मचिंतन, यानी कि खुद को पहचानना। अब हर व्यक्ति तो खुद को पहचानने में नहीं लगा रहता है, क्योंकि कई व्यक्ति जो है वो तर्क पर आधारित चिंतन कर रहे हैं, कोई सृजनात्मक चिंतन कर रहे हैं, कोई केवल वास्तविक चिंतन कर रहे हैं। तो ये सभी थे आपके चिंतन के प्रकार। इस तरीके से आज हमने चिंतन के प्रकार देखे, उपकरण देखे, चरण देखे, और हमने यह जाना कि चिंतन क्या होता है। तो हमें अंत में कंक्लूजन ये अगर मूल्यांकन करते हैं तो ये निकल कर आता है कि चिंतन क्या है। चिंतन एक समस्या का जब हम समाधान ढूंढते हैं तो उसके बीच में हम क्या करते हैं, चिंतन, यानी कोई सोच विचार करते हैं, और जब हम बहुत अधिक गहराई से उस बारे में सोच रहे होते हैं तो वो क्या होता है, समालोचनात्मक चिंतन। इनके प्रकारों को आप अच्छे से याद रखिएगा, एक एग्जाम्पल जो है वो आप अपनी तरफ से लिखने की कोशिश करें, क्योंकि एग्जाम्पल जो है वो आपको एग्जाम टाइम में याद रहते हैं। तो इसी तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।